अली सिर्फ 6 साल की मासूम बच्ची पर बहुत ही बेरहमी से उसकी आबरू रेजी की गई है, यानी अत्याचार किया गया है, रेप किया गया है। और आरोपी का नाम है बसवराज भोसले, उसके बाप का नाम लक्ष्मण है, मुंशी गली का रहने वाला है। चॉकलेट देने के बहाने से और गंदी फहश फिल्में दिखाकर उस पर जो है आबरू रेजी की गई है, इस पर हमें सख्त से सख्त इस बात की मजम्मत करते हैं। और हमें इंसाफ के लिए इधर आए हैं, बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं कि ऐसे लोगों को चौराहे पर लाकर, चारों जगह चौक में लाकर पत्थर से मार मार के खलास करना चाहिए। जिस तरह से इस दूसरे ममालिक में जिस तरह से रेपिश के लिए कानून बनाया गया है, वैसे कानून के तहत अगर ऐसा करेंगे तो आइंदा ऐसे हादसा नहीं होते। इसलिए हमें सख्त से सख्त सजा देने की हुकूमत को मुतालबा करते हैं, ताकि ऐसे लोगों को मालूम हो जाए कि करने के पहले एक नहीं 100 मरतबा सोचे कि हमें रेप कर रहे हैं, रेप करना या नहीं करना। क्यों बोले तो ऐसे ऐसे हालात, आसिफा का मैटर हो गया, निर्भया का मैटर हो गया, ये पूरे देश की बच्ची है, किसी एक धर्म की बच्ची नहीं, ये पूरे देश की बच्ची है। हमें उसे इंसाफ मांगते हैं उसके लिए, और सख्त से सख्त उसे अरेस्ट किया गया है, उस पर सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए, नहीं तो चौराहे पर ला कर हमारे ताबे में दे दो, हम उसे इंसाफ दिलाए, हम उसे क्या करना करेंगे। तो हमें यही मुतालबा है हमारा, उसे सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन नहीं ले रही, हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को आगाह करते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाए, ताकि इसके बाद ऐसे वाकियात रूनुमा न हो। बस ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸಲು ಇಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ವರ್ತಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಮಾಸೂಮ್ ಬಚ್ಚಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೀರಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್.